आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी के पेपर से यूनिट वन का एक टॉपिक है। यूनिट वन में आप लोगों को इकोनॉमिक पॉलिसी की थ्योरी समझनी है। इससे पहले के सेमेस्टर में, इसके पहले की क्लासेस में आप लोगों ने समझा है कि इकोनॉमिक पॉलिसी का मीनिंग क्या है और गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी को किस तरीके से पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन या इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है या जीडीपी ग्रोथ रेट को लॉन्ग टर्म में स्टेबल करने की कोशिश करती है। यूनिट वन में हम इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी या पॉलिसी जब पढ़ते हैं तो उसके अप्लाइड पोर्शन के साथ साथ उसके थ्योरिटिकल एस्पेक्ट को, उसके थ्योरिटिकल फिलॉसफीज़ को और थ्योरी को समझते हैं। तो यूनिट वन में जो पहला टॉपिक हम आज समझेंगे वो है एन इंट्रोडक्शन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका मतलब है हम ये समझेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसी को थ्योरिटिकली किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है, उससे हम क्या समझते हैं और इकोनॉमिक पॉलिसी की सिग्निफिकेंस क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इकोनॉमिक थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे शब्द हैं जो कि टेक्निकल हैं और जिसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको जो भी थ्योरी स्टडी करनी है उसमें से बहुत सारे शब्द आएंगे जिसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप उन थ्योरीज़ को समझ पाएंगे। इसलिए हमने कुछ कीवर्ड्स सिलेक्ट किए हैं जिसको हम एक एक करके हर लेक्चर में समझेंगे और उसके बाद जो एक्चुअल थ्योरी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में जो कीवर्ड्स हम स्टडी करेंगे वो है इकोनॉमिक एजेंट, इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक एनालिसिस, इकोनॉमिक पॉलिसी। आज के लेक्चर में ये चार कीवर्ड्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और इसका मतलब समझेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसी की थ्योरी में इकोनॉमिक एजेंट का क्या अर्थ होता है, इंस्टीट्यूशन का क्या अर्थ होता है, इकोनॉमिक एनालिसिस या आर्थिक विश्लेषण का क्या अर्थ होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी यानी आर्थिक नीति का क्या अर्थ होता है। उसके बाद के लेक्चर्स में हम बाकी कीवर्ड्स को समझेंगे जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, द मार्केट एफिशिएंस, द मार्केट देन एफिशिएंसी, इक्विटी, मार्केट फेलियर्स, द रोल ऑफ मार्केट एंड गवर्नमेंट, एलोकेटिव एफिशिएंसी, एक्सटर्नैलिटीज, कोज थ्योरम, पब्लिक गुड्स, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, प्रिजनर्स डिलेमा, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन दैट इज ऑल्सो नोन एज एजेंसी प्रॉब्लम्स एंड फाइनली डायनामिक एफिशिएंसी। इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल पैरेटो ऑप्टिमैलिटी जो ऑलरेडी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया है, देन मार्केट फेलियर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के पेपर में पढ़ाया जाएगा, एक्सटर्नैलिटीज़ का कॉन्सेप्ट भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर में पढ़ेंगे, कोस थ्योरम भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के पेपर में पढ़ाया जाएगा, पब्लिक गुड्स ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स भी आपको एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के पेपर से पढ़ाया जाएगा। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम इकोनॉमिक पॉलिसी के क्लास में पढ़ेंगे। पहला जो कीवर्ड है या पहला जो शब्द है, टर्म है, वो है इकोनॉमिक एजेंट। इन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक एजेंट इज एन एक्टर, मोर स्पेसिफिकली अ डिसीजन मेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, डिसीजन मेकर। इन अ मॉडल ऑफ सम एस्पेक्ट इन द इकॉनमी, एवरी एजेंट मेक्स अ डिसीजन बाय सॉल्विंग अ वेल और इल डिफाइंड ऑप्टिमाइजेशन और चॉइस प्रॉब्लम। इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इकोनॉमिक एजेंट जब शब्द आता है तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं किसी एक इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन की जो कि डिसीजन मेकर है। इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। जब हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकर की, वो व्यक्ति या वो संस्था जो कि डिसीजन लेगी
उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट जो डिसीजन मेकर है वो कहाँ पे डिसीजन मेकर है, इज द डिसीजन मेकर इन एन इकोनॉमिक मॉडल। किसी भी आर्थिक मॉडल में जो डिसीजन मेकर होता है, जो निर्णय लेता है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एजेंट। इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। उससे पहले हमें ये समझना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एजेंट इज डिसीजन मेकर, ही टेक्स डिसीजन इन एन इकोनॉमिक मॉडल। और तीसरा है डिसीजन क्यों लिए जाते हैं, व्हाट इज़ द गोल ऑफ टेकिंग द डिसीजन, इट इज़ ऑप्टिमाइजेशन और चॉइस प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है डिसीजन मेकर का जो इकोनॉमिक एजेंट है, टू ऑप्टिमाइज, सबसे बेहतर डिसीजन वो ले सके ताकि जो कि उनकी प्रॉब्लम है या जो भी उनका गोल है उसको वो ऑप्टिमाइज कर पाए। ये इकोनॉमिक एजेंट का काम है। इसको एक एग्जांपल से अगर हम समझे तो हम लेते हैं इंडिफरेंस कर्व हाइपोथेसिस। इसको इसका ग्राफ बना लेते हैं। एक्स एक्सिस में हमने एक कमोडिटी एक्स लिया है, वाई एक्सिस पे हमने कमोडिटी वाई लिया है। ये जो कर्व है ये है इंडिफरेंस कर्व, जिसको हम आईसी भी कहते हैं शॉर्ट में। इंडिफरेंस कर्व ये बताता है कि इस पर्टिकुलर कर्व पे कमोडिटी एक्स और वाई का जो कॉम्बिनेशन है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो कंज्यूमर को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एजेंट कौन है, कंज्यूमर। मॉडल क्या है, इंडिफरेंस कर्व मॉडल। और गोल क्या है, टू ऑप्टिमाइज यूटिलिटी। यूटिलिटी का क्या मतलब है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक इंडिफरेंस कर्व पे चाहे एक्स और वाई के किसी भी प्रकार के कॉम्बिनेशन को लिया जाए, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो उतना ही होगा। अगर हमको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करना है तो हमें इंडिफरेंस कर्व से हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाना पड़ेगा। जैसे ही राइटवर्ड शिफ्ट होगा इंडिफरेंस कर्व, यूटिलिटी जो है इसके साथ इंक्रीज होगी या लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। तो इकोनॉमिक एजेंट मतलब वो व्यक्ति जो कि डिसीजन लेता है किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक मॉडल पे ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और ऑप्टिमाइज कर सके अपने गोल को। नेक्स्ट जो टर्म है वो है इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड बिफोर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इससे पहले कि हम ये समझें कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है या आर्थिक नीति क्या है, उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आर्थिक विश्लेषण से हम क्या समझते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें आप समझ रहे हैं वो टेक्निकल डेफिनेशंस है और वो जनरल डेफिनेशंस नहीं है, इसीलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। आर्थिक विश्लेषण इन जनरल आपको लग सकता है कि हम किसी भी प्रकार की अगर अर्थव्यवस्था की सिचुएशन की अगर एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो उसको आर्थिक विश्लेषण कहेंगे। लेकिन थ्योरिटिकली जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस तो उसका मतलब जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस एग्जामिन्स द इंडिविजुअल और एग्रीगेट डिसीजंस ऑफ प्राइवेट इकोनॉमिक एजेंट्स अबाउट वॉट दे प्रोड्यूस एक्सचेंज एंड कंज्यूम। यहाँ पे तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ कि इकोनॉमिक एनालिसिस जो है वो इंडिविजुअल का भी हो सकता है या एग्रीगेट डिसीजंस भी हो सकता है। एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा लिया गया डिसीजन या एक व्यक्ति द्वारा लिया गया डिसीजन ऑफ प्राइवेट इकोनॉमिक एजेंट्स। प्राइवेट इकोनॉमिक एजेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं या पब्लिक एजेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। नो पब्लिक एजेंट्स मीन्स नो गवर्नमेंट। हम यहाँ पे सरकार की नीतियों की बात नहीं कर रहे हैं या सरकार के द्वारा अपनाई गई नीतियों की वजह से जो
आप कह सकते हैं इफेक्ट देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है, उसका विश्लेषण जो है वो उसको आर्थिक विश्लेषण थ्योरी में नहीं माना गया है। ये प्राइवेट इकोनॉमिक एजेंट्स के जो डिसीजंस हैं उनको एग्जामिन अगर किया जाता है तो उसको इकोनॉमिक एनालिसिस कहते हैं। ये किससे रिलेटेड है? रिगार्डिंग प्रोडक्शन, उत्पादन, एक्सचेंज, वस्तुओं का आदान प्रदान एंड कंजम्पशन या उपभोग। उपभोग से, उत्पादन से और एक्सचेंज से रिलेटेड जब डिसीजंस लिए जाते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हो या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा एग्रीगेट या कुल जिसे हम कहते हैं निर्णय, या एक अंतिम निर्णय हो कुछ व्यक्तियों के द्वारा, सामूहिक निर्णय जिसे आप कह सकते हैं, लेकिन ये होता किसके द्वारा है? प्राइवेट इकोनॉमिक एजेंट्स। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है दैट इज प्राइवेट इकोनॉमिक एजेंट्स। दिस डिसीजंस आर टेकन विथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। द ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंट क्राइटेरिया फॉर ऑर्डरिंग द वेरियस पॉसिबल सिचुएशंस इन विच एजेंट्स माइट फाइंड देमसेल्व्स। एक ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया सेट किया जाता है जिससे कि जो गोल अचीव करना है उसको अचीव किया जा सके। इसका एक एग्जाम्पल लिया गया है, अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल थ्योरी कंज्यूमर्स चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी। इसमें एग्जाम्पल लिया गया है कि न्यू क्लासिकल थ्योरी के अनुसार अगर कंज्यूमर जो है वो डिसीजन मेकर है यहाँ पे, तो कंज्यूमर का गोल जो है वो हमेशा क्या होता है? यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने के लिए कंज्यूमर हमेशा ऐसा कॉम्बिनेशन लेता है कमोडिटीज़ का, जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का वो उपभोग कर रहा है अपनी इनकम को देखते हुए, इनकम यहाँ लिमिटेशन है, इनकम को देखते हुए ऐसा कॉम्बिनेशन लिया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, इस प्रकार से उपभोग किया जाता है कि मैक्सिमम यूटिलिटी उससे डिराइव की जा सके। कंज्यूमर को उपभोग करने पे जो यूटिलिटी मिलती है दैट शुड बी मैक्सिमम। तो इकोनॉमिक एनालिसिस का क्या मतलब है? जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स या एग्रीगेट डिसीजंस लिए जाते हैं ताकि जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने कंज्यूमर्स को लिया है जो कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं। While entrepreneurs choose the quantity of output and the combination of inputs for each good that maximizes their profits. इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने डिसीजन मेकर किसे लिया था? कंज्यूमर को। अगर हमारा डिसीजन मेकर जो है वो एंट्रप्रेन्योर्स है, एंट्रप्रेन्योर एक शब्द है जो प्रचलन में आया था जब शुम्पीटर ने इसको अपने इनोवेशन मॉडल में इस शब्द का प्रयोग किया था। शुम्पीटर के अनुसार एंट्रप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो कि रिस्क टेकर है, जो जोखिम उठाते हैं ताकि उनको लाभ हो या प्रॉफिट मिल सके उससे। प्रॉफिट को हम पाई से सिंबलाइज करते हैं। अगर एंट्रप्रेन्योर जो है वो डिसीजन मेकर है तो वो कैसा कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे या उत्पादन करेंगे जिससे कि उनका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो सके, क्योंकि उनका फाइनल गोल या उद्देश्य जो है, अंतिम उद्देश्य वो क्या है? लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। इकोनॉमिक एनालिसिस डज नॉट यूजुअली एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक एजेंट्स। पब्लिक इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे? हम सरकार की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट का जो बिहेवियर है उसको थ्योरिटिकली इकोनॉमिक एनालिसिस में यूजुअली नहीं लिया जाता। विच आर एट्रीब्यूटेड विथ कलेक्टिव एम्स। कलेक्टिव एम्स का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज सोशल वेलफेयर, जन कल्याण या वेलबींग ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। जो भी देश में रह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को बेनिफिट मिल सके इकोनॉमिक ग्रोथ का, आर्थिक वृद्धि का,
और जन कल्याण की बात गवर्नमेंट करती है, इसलिए इसको कलेक्टिव एम कहते हैं, क्योंकि ये समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए होती है, और इसे पब्लिक इकोनॉमिक एजेंट जो है वो गवर्नमेंट को माना जाता है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस में ज़्यादातर गवर्नमेंट इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं उनके व्यवहार को या बिहेवियर को, उनकी नीतियों को शामिल नहीं किया जाता। द चॉइसिस ऑफ द पब्लिक इकोनॉमिक एजेंट, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है किस तरीके के डिसीजंस को नहीं लिया जाता। गवर्नमेंट डिसीजंस रिगार्डिंग लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन, कर संबंधित या व्यय संबंधित जो डिसीजंस हैं, निर्णय हैं सरकार के, उनको इकोनॉमिक एनालिसिस में ज़्यादातर शामिल नहीं किया जाता। दे एंटर द मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एज सिंपल डेटा। माइक्रो इकोनॉमिक या मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स में उस गवर्नमेंट का जो बिहेवियर है उसको एज सिंपल डेटा लिया जाता है और उसको इकोनॉमिक एनालिसिस में शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट हम समझेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी विथ रिलेशन टू थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। सो द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी मस्ट देयरफॉर कंप्लीट मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एनालिसिस ऑन थ्री डिफरेंट लेवल्स, क्योंकि इकोनॉमिक एनालिसिस में गवर्नमेंट के रोल को नहीं लिया जाता, इसलिए इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये गवर्नमेंट का जो बिहेवियर है या पब्लिक एजेंट जिसे हम कहते हैं उसको इंक्लूड करती है। द प्रोसेस बाई विच गवर्नमेंट मेक्स इट्स चॉइसेस, वी टेक इट्स ऑब्जेक्टिव एज गिवन एंड द रोल्स एंड स्कोप्स ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस गिवन एंड अज्यूम दैट वी नो हाउ द इकॉनमी फंक्शंस, दिस इज करेंट चॉइस लेवल। हम ये मानते हैं कि हमें ये इंफॉर्मेशन है कि इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को एज गिवन लेते हैं, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को कि वो वेलफेयर करना चाहती है लोगों की, और यहाँ पे हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को भी लेते हैं जो गवर्नमेंट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हमको यहाँ समझना है कि इंस्टीट्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट किस प्रकार से अपने चॉइसेस अपनाती है उसको स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, करेंट चॉइस लेवल। तो इकोनॉमिक पॉलिसी का पहला जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू स्टडी करेंट चॉइसेस लेवल। इंस्टीट्यूशंस को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है या इंस्टीट्यूशन से हम क्या समझते हैं उसे देखते हैं। द टर्म इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन गिवन अ वैरायटी ऑफ मीनिंग्स इन द सोशल साइंसेस। सोशल साइंस में इंस्टीट्यूशन को बहुत अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है। हाउएवर दिस कैन बी रिड्यूस्ड एसेंशियली टू टू मीनिंग्स। इसको दो परिभाषा में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट, द टर्म में इंडिकेट अ सेट ऑफ रूल्स दैट रेगुलेट इन अ लास्टिंग मैनर द रिलेशनशिप्स विद इन अ ग्रुप ऑफ एजेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैरिज, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द मार्केट आर ऑल इंस्टीट्यूशंस। अगर कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि लॉन्ग रन में लागू किए जा सकते हैं, इसका मतलब ये रूल्स शॉर्ट रन के लिए नहीं है, लॉन्ग रन के लिए, तो इसको भी हम इंस्टीट्यूशन कहेंगे। अगर किसी एक समूह के मध्य एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो लॉन्ग रन में दीर्घ काल में लागू किए जा सकते हैं तो इसे भी हम इंस्टीट्यूशन मानेंगे, जिसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, मार्केट, बाजार, मैरिज एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। अ सेकेंड मीनिंग एक्सटेंड्स द डेफिनेशन टू इंक्लूड द एजेंट्स। जो इन रूल्स को लागू करते हैं किसी समूह के मध्य उन्हें भी हम इंस्टीट्यूशन कहेंगे। इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटिंग द रूल्स एंड द रिसोर्सेस नेसेसरी टू डू सो। इसका एग्जाम्पल क्या है, गवर्नमेंट, सरकार, द फैमिली, परिवार एंड द माफिया आर ऑल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूशंस की जब हम परिभाषा ले रहे हैं,
इकोनॉमिक थ्योरी में तो इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, सेट ऑफ रूल्स फॉर लॉन्ग रन एंड द एजेंट्स हु आर इम्प्लीमेंटिंग द रूल। ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो एक समूह के मध्य फॉलो किए जाते हैं लॉन्ग रन में, दीर्घकाल में, और वो एजेंट्स जो इन सेट ऑफ रूल्स को बनाते हैं, जैसे कि सरकार, फैमिली या माफिया, इन्हें भी हम इंस्टीट्यूशन समझते हैं। इस स्टडी में जब हम इकोनॉमिक थ्योरी स्टडी कर रहे हैं, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी पेपर 1 में, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन से हम दोनों ही अर्थों को शामिल करेंगे। अ सेकेंड लेवल ऑफ एनालिसिस कंसर्न्स द वेरी एग्जिस्टेंस एंड रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द मार्केट। बियॉन्ड द स्पेसिफिक केस ऑफ गवर्नमेंट एंड द मार्केट, अ मोर जनरल इशू रिगार्ड्स द टाइप्स ऑफ हायर लेवल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस दैट आर नेसेसरी और यूजफुल इन गवर्निंग अ सोसाइटी। दिस इज द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल चॉइसिस। हमने ये कहा कि इकोनॉमिक एनालिसिस जो है वो पब्लिक एजेंट या गवर्नमेंट या सरकार को शामिल नहीं करती यूजुअली, इसीलिए हमने इकोनॉमिक पॉलिसी को स्टडी करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो सरकार के बिहेवियर को, सरकार के द्वारा लिए गए स्टेप्स को, सरकार के बनाए गए नीतियों को का विश्लेषण करती है। इसलिए इकोनॉमिक पॉलिसी में तीन तरीके के कंडीशंस को स्टडी किया जाता है। पहला जो है वो करेंट चॉइस प्रॉब्लम है, दूसरा जो है हायर लेवल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो है उनको स्टडी किया जाता है, और इसे हम कहते हैं दिस इज द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल चॉइसेस विच वी रीच वंस वी नो सोसाइटीज ऑब्जेक्टिव एंड हाउ द इकॉनमी फंक्शंस अंडर द डिफरेंट पॉसिबल इंस्टीट्यूशंस। ये जो चॉइसेस हैं इंस्टीट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल चॉइसेस, ये कब पता चलते हैं? जब हमें सोसाइटी का, समाज का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो पता चलता है, और आर्थिक रूप से किस तरीके से अर्थव्यवस्था फंक्शन कर रही है उसको जानने के पश्चात ही हम इंस्टीट्यूशनल चॉइसेस को डिफाइन कर सकते हैं। द फाइनल और द थर्ड चॉइस लेवल इज द सोशल चॉइस लेवल। The final level of analysis concerns the identification of socially desirable goals. ऐसे कौन से उद्देश्य हैं या गोल्स हैं जो समाज के लिए लाभदायक हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं socially desirable goals. This level of our study of economic policy therefore seeks to identify social goals. तो इन तीनों को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि economic policy में तीन कंडीशंस को स्टडी किया जाता है। ये इकोनॉमिक पॉलिसी तीन लेवल ऑफ चॉइसेस को इंक्लूड करती है। पहला है द करेंट चॉइस लेवल, दूसरा है द हायर इंस्टीट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल, और तीसरा है सोशल चॉइस लेवल। इकोनॉमिक एनालिसिस में सरकार या पब्लिक एजेंट का रोल नहीं है, इसीलिए इकोनॉमिक पॉलिसी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पब्लिक एजेंट या सरकार को इंक्लूड किया जाता है, और इन तीन लेवल को स्टडी किया जाता है, द करेंट चॉइस लेवल, द इंस्टीट्यूशनल चॉइस लेवल एंड द सोशल चॉइस लेवल। तो इतना सब कुछ समझने के बाद अब हम इकोनॉमिक पॉलिसी को या आर्थिक नीति को थ्योरिटिकली परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज द डिसिप्लिन दैट स्टडीज पब्लिक इकोनॉमिक एक्शन इन एज मच एज इट स्टडीज ऑल थ्री लेवल्स, द करेंट चॉइसेस ऑफ द गवर्नमेंट, the choice of higher level institutions that is the definition of society's economic constitution and the identification of social preferences or objectives। economic policy ko kaise define kar sakte hain ki economic policy jo hai aisa aap keh sakte discipline hai jo aisa vishay hai jo ye study karta hai iska adhyayan karta hai ki kis prakar se jo government hai वो
निर्णय लेती है, और उसी के साथ साथ जो तीन स्तर बताए गए हैं, करंट चॉइस ऑफ गवर्नमेंट, चॉइस ऑफ हायर लेवल इंस्टीट्यूशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल प्रेफरेंस और ऑब्जेक्टिव्स, इनका भी अध्ययन करती है। तो सरकार के जो लिए गए निर्णय हैं उनका अध्ययन करती है, उनके अलावा इन तीन लेवल्स का, तीन स्तरों का भी अध्ययन इकोनॉमिक पॉलिसी करती है। थ्योरेटिकली ये इकोनॉमिक पॉलिसी की परिभाषा है। इसी के आधार पे आगे के जो थ्योरी है इकोनॉमिक पॉलिसी की, जो विचारधारा दी गई है, उसको एक एक करके हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही स्टडी करेंगे।